चलो बच्चा, एक और नया सम जो है हमारा 17 नंबर का सम, जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और आप बोल सकते हो क्या बच्चा, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। इतनी बार सर बोल रहे हो तो आपको भी ये मेथड के नाम के साथ याद रह जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, हमें सम में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है वो समझता है। तो सम में गिवन इन्फॉर्मेशन जो है वो वाई स्क्वायर माइनस 21y प्लस 90। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है वो बीच में माइनस की साइन है, तो हमें वो ध्यान में रखना है, और यहाँ प्लस की साइन है वो ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट आपको वो ध्यान में रखना है, हम प्लस माइनस का अरेंजमेंट कैसे करेंगे या दोनों टर्म माइनस कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बच्चा हम हैज यूजुअल क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर आप लिखते हो ए एक्स स्क्वायर, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से पहचानते हैं, तो वो हम लिखते हैं। दूसरा पॉइंट बच्चा, हमें किसका मल्टीप्लाई और करना है और क्या करना है, तो आप बोलोगे सर कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोऑफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ए, एंड आप बोलोगे सर कांस्टेंट टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करके प्लस और माइनस में सेट करना है। जैसे हम करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, वाई स्क्वायर का कोऑफिशिएंट है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 90, तो 90 के ऐसे फैक्टर आपको निकालने हैं कि जिसका माइनस मतलब प्लस माइनस या माइनस माइनस करके आपको क्या करना है, 90 लाना है। तो एज यूजुअल एलसीएम मेथड हम यूज करते हैं। तो बच्चा शुरू करते हैं यहाँ से 90 को, तो आप बोलोगे 90 है तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, तो पहले हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45, एक फैक्टर हो गया 45 into 2। लेकिन ये दूर दूर तक हमारे आंसर में सेट नहीं हो रहा तो हम इसमें आगे नहीं जाएंगे, सेम वे आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा, और आप बोलोगे सर 3 5 जा, तो ये भी हो गया। तो अब बोलेंगे 6, यहाँ पे हम लिखेंगे 6, कैसे 6 आया, 2 3 जा, और ये कितना है 15, तो 15 6 जा, 15 6 जा कितना होगा बच्चा 90 होगा, और ये दोनों को प्लस करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे माइनस 15 माइनस 6, माइनस क्यों लिया, क्योंकि साइन आगे माइनस की थी, माइनस माइनस प्लस, और आंसर भी कितना हो जाएगा 21। ऐसे आपको फैक्टर निकालते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है बच्चा, हम स्टेप को कैसे धीरे धीरे करके हम स्टेप लेते जाते हैं। यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये स्टेप, यहाँ से ये स्टेप, ऐसा नहीं है कि पूरा सम सॉल्व कर दिया उसके बाद हम फैक्टर सोचेंगे। जितना आप ये करते जाओगे तो आपका फैक्टर और टाइम बहुत जल्दी खत्म वो बचेगा, मतलब आपका स्पीड से कर सकते हो कैलकुलेशन, वो पॉइंट पे फोकस करना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो दूसरा स्टेप अब आ जाएगा वाई स्क्वायर। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 15x माइनस 6x प्लस 90। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर कॉमन निकालना है आपको, तो कॉमन निकालोगे तो यहाँ से आप बोलोगे सर यहाँ एक्स नहीं लिखना था, इस बार वाई के टर्म में, तो सर को क्या लिखना पड़ेगा, वाई ही लिखना है, वो आपको भी ध्यान में रखना है बच्चा। यहाँ पे वाई लिख दिया तो वाई कॉमन निकाला, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई माइनस 15, यहाँ से वाई कॉमन निकालेंगे तो वाई माइनस 15, यहाँ पे माइनस लिखा, और ध्यान से देखना यहाँ इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा सर फैक्टर तो बहुत सिंपल है, 15 क्या लिखोगे 6 जा, क्या लिखोगे 15 6 जा, तो ध्यान से देखोगे तो कॉमन क्या निकलेगा 6, और यहाँ से भी 6, तो हमने लिख दिया 6, क्या लिखा बच्चा 6 कॉमन निकालेंगे। बच्चा ये मेन पॉइंट नहीं है, पॉइंट अब कुछ आगे है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ब्रैकेट करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y और यहाँ पे हम लिखेंगे 50, क्लियर। जैसे ये दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं तो y माइनस 15 और यहाँ पे हम लिखेंगे y माइनस 6। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब आप बोलोगे सर इसको प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, मिलते हम नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसकी वीडियो देखनी है, ऐसे ही वीडियो देखनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मिलते हैं बच्चा सम नंबर 18 में नए एक सम के साथ।